Hello students, welcome to BBVN online class. Students, today I am going to start lesson 7 clothes for us. आज मैं EVS में lesson 7 जिसका name है clothes for us start कर रही हूँ. So take out your EVS book and open the page number 37. Page number 37 पे ये lesson है जिसका name है clothes for us, हमारे लिए कपड़े, वो मैं read कर रही हूँ. So listen carefully. Look at these pictures below. नीचे दी गई pictures को देखिए. Do you think they are wearing any clothes? क्या आप सोच रहे हैं कि इन animals and birds ने किसी तरह के कपड़े पहन रखे हैं? So students देखिए इन pictures को देखिए और सोचिए क्या इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं? No. आपको पता है कि birds and animals किसी तरह के clothes नहीं पहनते हैं. Okay? So next paragraph देखिए. Feathers and furs protect birds and animals from heat and cold. अब आपको पता है कि birds clothes नहीं पहनते हैं, तो फिर इनकी protection कौन करता है heat and cold से? सोचिए. Yes, feathers and fur. इनके जो पंख होते हैं और फर होते हैं, फर किसको बोलते हैं? जो सॉफ्ट एंड जो शाइनी, जो उनके छोटे छोटे जो पंख होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फर. सो फेदर्स एंड जो फर होते हैं बर्ड्स एंड एनिमल की हीट एंड कॉल्ड से प्रोटेक्शन करते हैं. जिस तरह से हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है? कौन करते हैं? क्लॉथ्स करते हैं. क्लॉथ्स हमारे किससे प्रोटेक्शन करते हैं? हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट बाइट, इन सब से हमारी प्रोटेक्शन कौन करते हैं? क्लॉथ्स करते हैं. बट बर्ड्स एंड एनिमल्स क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन कौन करते हैं? इनके फेदर्स एंड फर, इनके जो पंख होते हैं या फिर फर होते हैं, फर होते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट, इनके जो सॉफ्ट एंड शाइनी जो छोटे छोटे पंख होते हैं उनको बोलते हैं फर. तो फेदर एंड फर इनकी हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्शन करते हैं. ह्यूमन्स वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट एंड एनिमल्स बाइट. ह्यूमन बींग जो आदमी होते हैं, ह्यूमन बींग जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं? क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए किससे? हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से एंड इंसेक्ट्स एंड एनिमल बाइट से हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या पहनते हैं? क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स के अलग अलग तरह, अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं? ओके, इन समर्स वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स. गर्मियों में हम बिल्कुल हल्के कॉटन कपड़े पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल. जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें ठंडा रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. इन समर्स वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स. समर में हम बिल्कुल हल्के कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल. कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें बिल्कुल ठंडा रखते हैं. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग विंटर्स वी वेयर वूलन क्लॉथ्स. विंटर में, सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके, वूलन क्लॉथ्स ऊनी कपड़े पहनते हैं. वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये फर्स्ट पेज हमने पढ़ लिया है. अब आपको क्या करना है? फर्स्ट पेज पे मैं जो जो वर्ड बता रही हूँ आपको अंडरलाइन करना है और उनको लर्न करना है. ओके, सो फर्स्ट आपको अंडरलाइन करना है फेदर्स को. एफ ई ए टी एच ई आर एस, फेदर्स. फेदर्स को अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको याद रह जाए कि आपको कौन से स्पेलिंग्स लर्न करनी है. फेदर्स को अंडरलाइन कीजिए. एफ यू आर एस, फर्स को अंडरलाइन कीजिए. प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट को अंडरलाइन कीजिए. पी आर ओ टी ई सी टी, प्रोटेक्ट को अंडरलाइन कीजिए. एंड नेक्स्ट आप देखिए, थर्ड लाइन में देखिए इंसेक्ट. आई एन एस ई सी टी, इंसेक्ट को अंडरलाइन कीजिए. एंड नेक्स्ट डी यू एस टी, डस्ट को अंडरलाइन कीजिए, ये भी थर्ड लाइन में है. एनिमल बाइट, एनिमल बाइट्स, ए एन आई एम ए एल, एनिमल बी आई टी एस, बाइट्स, इनको भी अंडरलाइन कीजिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए समर्स, एस यू एम एम ई आर एस, समर्स को अंडरलाइन कीजिए. कॉटन, सी ओ टी टी ओ एन, कॉटन को अंडरलाइन कीजिए. क्लॉथ्स, सी एल ओ टी एच ई एस, क्लॉथ्स को अंडरलाइन कीजिए. वूलन, डब्ल्यू ओ ओ एल एल ई एन, वूलन को अंडरलाइन कीजिए.
वार्म, डब्ल्यू ए आर एम वार्म, वार्म को अंडरलाइन कीजिए. सो इतनी जो ये हार्ड वर्ड्स है वो आपको लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 38. ओके, अब देखिए रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं. इन द रेनी सीजन वी वेयर अ रेन कोट और क्लॉथ्स और कैरी एन अम्ब्रेला. रेनी सीजन में हम हमारे कपड़ों के ऊपर एक रेन कोट और पहनते हैं और अम्ब्रेला लेते हैं. रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन. रेन कोट्स और अम्ब्रेला हमारी क्या हेल्प करते हैं, बारिश में हमें गीला होने से बचाते हैं. अगर हम रेन कोट नहीं पहनते हैं और अम्ब्रेला नहीं लेते हैं तब हम क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे. ओके, सो रेन कोट एंड अम्ब्रेला हमारी बारिश में गीला होने से हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइम देखिए, एट होम वी वेयर कंफर्टेबल क्लॉथ्स. घर पे हम बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनते हैं, जो आरामदायक कपड़े होते हैं वो पहनते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स सच एज बर्थडेज. अब हम स्पेशल क्लॉथ्स, स्पेशल कपड़े कब पहनते हैं, जब कोई फेस्टिवल होता है जैसे लाइक होली, दीपावली, दशहरा, तब हम क्या करते हैं, स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं. एंड फेस्टिवल्स एंड जो स्पेशल ओकेजन होते हैं जस्ट लाइक मैरिज सेरेमनी या फिर बर्थडे सेरेमनी, तब हम क्या पहनते हैं, तब भी स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये लाइन, वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन सच एज बर्थडे. हम स्पेशल क्लॉथ्स कब पहनते हैं, या तो जब कोई फेस्टिवल होता है या फिर स्पेशल ओकेजन जैसे बर्थडे होता है, तब हम क्या करते हैं, स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, वी वेयर फॉर्मल एंड स्मार्ट क्लॉथ्स व्हेन वी गो टू वर्क. हम क्या करते हैं, जब हम काम करने जाते हैं तब या तो हम स्मार्ट क्लॉथ्स मतलब अच्छे दिखने वाले कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल बोलते हैं औपचारिक, जिसमें यूनिफॉर्म्स भी आती है. वी वेयर फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, औपचारिक कपड़े पहनते हैं जब हम किसी काम करने के लिए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इस पेज पे भी आपको कुछ स्पेलिंग्स अंडरलाइन करनी है. जस्ट लाइक रैनी, आर ए आई एन वाई, रैनी, रैनी को अंडरलाइन कीजिए. रेन कोट, आर ए आई एन सी ओ ए टी, रेन कोट को अंडरलाइन कीजिए. एंड अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला को अंडरलाइन कीजिए. रेन कोट्स, आर ए आई एन सी ओ ए टी एस, रेन कोट्स को अंडरलाइन कीजिए. ओके, कंफर्टेबल, सी ओ एम एफ ओ आर टी ए बी एल ई, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, कंफर्टेबल को अंडरलाइन कीजिए. ओकेजन्स, ओ सी सी ए एस आई ओ एन एस, ओकेजन्स को अंडरलाइन कीजिए. ओके, सो इतनी स्पेलिंग्स है जो आपने आपको बुक में अंडरलाइन करनी है और आपको अच्छे से लर्न करना है इन स्पेलिंग्स को. ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग लगाइए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे. थैंक यू.